बसमिल्ल रहीम आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पिन व्हील्स उसके लिए हमें चाहिए वन कप बॉयल एंड शेडिड चिकन वन बाई फोर कप ऑफ मिक्सड चैडर एंड मोजरेला चीज़ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर टू टेस्ट एंड लिटिल ऑलिव ऑयल और ये पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में बनाई थी और पिज़्ज़ा की डो ये भी मैं आपको बनानी सिखा चुकी हुई हूँ मल्टीपर्पज़ डो वाली आप मेरी वीडियो देखें उसमें इसके सारे स्टेप्स मौजूद हैं और आपको ये बहुत ही आसान और अच्छी सी डो बनी बनानी फ़ौर आ जाएगी आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर फ्राइंग पैन में मैंने टू टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिए और उसमें अपना बॉयल्ड जो चिकन है उसको डाला हमने इस चिकन को कुक नहीं करना इट इज़ ऑलरेडी कुकड बस इसे हल्का सा क्रंची सॉटे करना है इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और काली मिर्च यानी सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के जब ये कुक हो जाए ज़रा ज़रा सा क्रंची हो जाए तो इसका मतलब है इट इज़ रेडी टू बी फिल्ड इन इन टू द पिन व्हील्स देखिए इसे बस हल्का हल्का चला लीजिए ऑयल बहुत कम डाला था ताकि ये ज़्यादा ऑयली ना हो आइए अब हम पिन व्हील्स रेडी करते हैं डो को पंच कर लें ताकि उसमें से सारी एक्स्ट्रा एयर बाहर चली जाए ऐसे करके ये देखिए और इसमें से जितनी डो आपने यूज़ करनी हो ये जो पूरी थ्री कप्स की मेरी डो है जो मैंने आपको रेसिपी बताई है उससे अप्रॉक्सीमेटली थर्टी सिक्स ये बनेंगे पिन मील्स तो मैंने इसमें से हाफ डो ले ली है उसको इस तरह से करके मैंने उसका उसको रोल करके उसका पेड़ा बना लिया अपने किचन काउंटर को अच्छे से साफ करके उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क लें और इस डो को हमने स्क्वायर बेलना है स्क्वायर फॉर्म में इसको रोल आउट करना है तो यू कैन ईज़िली सी कि ये कितने आराम से इसमें कितनी स्ट्रेच है और ये कितने आराम से रोल हो रही है इस तरह से इसे हमने स्क्वेर रोल कर लिया इसकी थिकनेस हाफ इंच से भी कम है इसके ऊपर बिल्कुल बारीक लेयर में कम लेयर में मेरा मतलब है हम लगाएंगे पिज्ज़ा सॉस ज़्यादा नहीं लगानी क्योंकि पूरे के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी पूरी डो के ऊपर जो भी आपने रोल आउट की है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना हो जाए अच्छे से सॉस लगाने के बाद इस पर जो चिकन हमने रेडी किया था उसको रोल आउट स्प्रेड कर ले सॉरी अच्छा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अगर आप इनको पिज़्ज़ा पिन वील्स को स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर और अपने स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं बट आई लाइक इट दिस वे सो मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले अब जो वन बाय फोर कप मिक्स मोजरेला और चेडर चीज श्रेड करके रखा है उसमें से हाफ इसके अंदर स्प्रेड कर देना है और हाफ को हम बाद में पिन वील्स के ऊपर लगाएंगे अब इसको एहतियात से इस तरीके से रोल कर लेना है हमने रोल करके इसका एक पूरा लॉक बना लेना है जब आप इसको रोल करते जाएं हर एक स्टेप के ऊपर इसको ज़रा सा आप टाइट कर लें ताकि ये बिल्कुल ढीली नहीं हो ये देखिए ये कितना अच्छा नीट लॉक बन गया है अब इसे कट करने की स्पेशल टेक्निक है इसको ज़रा आप गौर से देखिए एक साफ़ सुथरा धागा लेना है बिल्कुल नीट थ्रेड होना चाहिए उसको ऐसे करके आपने क्रॉस किया और कट कर लिया यह आपका एक पिन व्हील कट हो गया है ये देखें ऐसे करके अब ये मैंने बेकिंग ट्रे को हल्का सा ऑयल लगा के रेडी किया हुआ है उसमें आप अपने पिन व्हील्स रखते जाएं याद रखिए ये देखें आप दोबारा से देखें इस टेक्निक को आपने ऐसे करके अपना थ्रेड कट करना है डो के नीचे से लॉक के नीचे से गुजार के जब वो क्रॉस ओवर होगा तो वो इसको कट कर देगा इस तरीके से पिन व्हील को रेडी करते हुए आप रखते जाएँ ये मेरे सब पिन व्हील्स रेडी हो गए और इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का चीज़ जो बचा था वो सब पिन व्हील्स पे डाल दीजिए स्प्रिंकल कर दीजिए ऊपर से मीनवाइल मैंने अपने अवन को 180 डिग्री पे आ, प्री हीट करने के लिए रख दिया है जब अवन वेल प्री हीटेड होगा तो हम इसको बेक करेंगे मीन वाइल ये देखिए जो आपकी लेफ़्ट ओवर डो है मैंने अपनी पिज्ज़ा डो वाली मल्टीपर्पज़ डो वाली वीडियो में बताया था कि जो लेफ़्ट ओवर होती है उसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं तो आइए इसको फ्रीज़ करने के लिए आप क्लिंग फिल्म लें नीट तरीके से उसे अपने काउंटर पे ऐसे अच्छा स्प्रेड कर लें और डो को निकाल के उसका फिर से पेड़ा बना के अच्छे तरीके से उसको इस तरीके से आप यूं करके फ्रीज़ कर, फ्रीज कर दीजिए जब आप इसे अच्छे तरीके से इसे आपने सील कर देना है ताकि इसमें कोई एयर नहीं आए जब आप इसे फ्रीज़र में रख देंगे तो ये फ्रीज़ हो जाएगी ये पूरी वेल राइज आपकी डो है इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आपने बनाना हो इसे निकालिए थॉ कीजिए इसमें कोई पानी नहीं होगा और थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके किसी भी चीज़ में इसे यूज़ करें ये मैंने अपने जो पिन व्हील्स रेडी किए थे वो भी रेडी हो गए हैं टेन मिनट्स इनको रखे रखा अब ये रेडी हो गए हैं मेरा अवन भी गर्म है आइए अब इसको हम अवन में रख देते हैं ताकि ये बेक हो जाए 20 मिनट्स में हमारे पिन व्हील्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे